हाय एवरीवन, आज बात करते हैं मिर्जा गालिब के बारे में। हाय एवरीवन, आज बात करते हैं मिर्जा गालिब के बारे में। मिर्जा गालिब हिंदुस्तान की उर्दू शायरी का वो नाम है जिसने उर्दू शायरी का ही नाम रोशन किया है। उर्दू शायरी को अगर मिर्जा गालिब से अलग कर दिया जाए तो उसमें वो इंटरेस्टिंग बातें जो मिर्जा गालिब ने लिखी हैं और कही हैं वो नहीं रहेंगी, और अगर वो बातें नहीं रही तो उर्दू शायरी का मजा कम हो जाएगा, उर्दू शायरी बेमजा हो जाएगी। तो चलिए पता करते हैं कि ये मिर्जा गालिब थे कौन, द पर्सन ही वॉज एंड द पोएट ही वॉज, द लाइफ ही लिव्ड। कौन थे गालिब? और गालिब खुद ही कहते हैं कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। गालिब वो शख्स है जिसको हम, आप, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, सड़क का आदमी, आपकी टीचर, आपके पेरेंट्स, हर एक इंसान ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोट जरूर किया है, चाहे सही किया हो या गलत किया हो, मगर उनके शेरों की इतनी इज्जत, इतनी मकबूलियत है, इतने फेमस हैं वो उनके शेर कि उन्हें कोट हमेशा किया जाता रहा है। मगर हम इस इंसान के बारे में, हम मिर्जा गालिब के बारे में क्या जानते हैं? वो हाउ ही वॉज एज अ पर्सन, how he was as a poet and what is the kind of life he lived. चलिए पता करते हैं छोटे से प्रेजेंटेशन से। तो मिर्जा गालिब का जन्म हुआ 27 दिसंबर को, 27th December 1797 को, यानी he was born in the 18th century and he died on 15th February 1869. अच्छी खासी तवील उम्र पाई उन्होंने, लंबी उम्र पाई, जिसमें उन्होंने कई कारनामों को अंजाम दिया, कई शेर लिखे, और ऐसे ऐसे शेर लिखे कि बस पढ़ने वाला पढ़ता ही रह जाता है। हर हालात पे, हर मौके पे, हर बात पे उन्होंने अशआर लिखे। मिर्जा गालिब का खानदान तुर्की से हिंदुस्तान आया था, और वो लोग, उनके खानदान के लोग पेशे से सिपाही हुआ करते थे, दे वर सोल्जर्स बाय प्रोफेशन। तो वो अलग अलग राजाओं के पास जाके काम मांगते थे कि हमें अपनी सेना में भर्ती कर लीजिए और हमें उसकी तनख्वाह दीजिएगा। ये वो जमाना था जब राजा महाराजा, शहंशाह, बादशाह अपनी अपनी जागीरों को बड़ा करने के लिए लड़ाइयां लड़ा करते थे, और उसके लिए उन्हें सैनिकों की जरूरत होती थी, और वो सैनिक उनके यहां नौकर हुआ करते थे, नौकरी किया करते थे। तो ये है बैकग्राउंड उनके खानदान का। मिर्जा गालिब जब पैदा हुए तो उनके खानदान की तकरीबन 3 से 4 पुश्तें पहले ही हिंदुस्तान में रह चुकी थी। मिर्जा गालिब के फादर, मिर्जा गालिब के वालिद ने सिपाही का पेशा शुरू किया, और उनका इंतकाल, वो बहुत जल्दी उनकी मौत हो गई, जिसके बाद मिर्जा गालिब को उनके चाचा ने बड़ा किया और उनकी पढ़ाई लिखाई सब करवाई। तालीम के मामले में, पढ़ाई के मामले में मिर्जा गालिब ठीक थे। उन्होंने अरबी पढ़ी और फारसी पढ़ी और फिलॉसफी पढ़ी, और तकरीबन 13 साल की उम्र थी जब उनकी, 11 साल की उम्र, 13 नहीं, 11 साल की उम्र से उन्होंने शायरी शुरू कर दी, और शुरू में वो फारसी में यानी पर्शियन में शायरी किया करते थे। 13 साल की उम्र तक आते आते उनकी शादी भी हो गई, और उनकी बेगम का नाम था उमराव बेगम, जो एक दिल्ली के बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी।
शादी के बाद वो दिल्ली मुंतकिल हो गए कुछ सालों बाद, तुरंत तो नहीं, उस समय पहले शादी हुआ करती थी, फिर गौना वौना बाद में होता था। तो उसके बाद गौना हुआ, जब लोगों को लगा कि अब ये बड़े हो गए हैं, इनको भी लगा कि अब हमें घर बसाना है, तो ये दिल्ली चले आए जहाँ उनके फादर इन लॉ, जहाँ उनके ससुर रहते थे, और ये सोचा कि मुझे शाही दरबार में नौकरी मिल जाएगी, शाही दरबार की खिदमत करके मैं अपना घर चला लूंगा। उनके पास पैसा आता जाता रहता था, ऐसे बहुत गरीब नहीं थे, मगर शराब का और गोश्त का शौक इतना था कि पैसा कभी टिकता नहीं था। शौकीन मिजाज होने के वजह से उन्होंने दोस्त भी ऐसे ही पाले थे जो उनकी शायरी सुनते थे, शराब पीते थे, बढ़िया वाइन, उनको फ्रेंच वाइन्स का शौक था, उनको वाइन की समझ थी, और अच्छे खाने का, अच्छी बिरयानी का शौक था। तो भाई पार्टी होती थी अक्सर, और जब वो शायरी करते थे तो शायरी करने के लिए किसी म्यूज की, हर आर्टिस्ट को, हर उस इंसान को जो अपने आर्ट को तबाजमाई देना चाहता है, जो अपने आर्ट को प्रेजेंट करना चाहता है, उसकी एक म्यूज होती है, कोई ना कोई म्यूज जरूर होती है। तो मिर्जा गालिब की भी एक म्यूज थी, जो एक डोमनी थी, मतलब एक सिंगर थी, एंड शी एडमायर्ड गालिब्स पोएट्री। एक वाकया ऐसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, कि ये गए थे एक मुशायरे में, मिर्जा गालिब गए थे दरबार, उस समय बहादुर शाह जफर का राज था। राज क्या था वो ऐसा है कि ब्रिटिशर्स ऑलरेडी आ गए थे, बहादुर शाह जफर मुशायरे ऑर्गेनाइज किया करते थे, तो उसमें गालिब गए थे और उन्होंने अपनी एक बढ़िया सी गजल पढ़ी। उनको दाद नहीं मिली, उन्हें लगा कि मैंने ये गजल बहुत बेहतरीन लिखी है लेकिन लोगों ने इसे अप्रिशिएट नहीं किया है। तो वो थोड़ा नाराज होके, थोड़ा गुमसुम होके, थोड़ा परेशान होके घर लौट रहे थे, तो पालकी में जाते थे, वो पालकी वालों से कहा कि भाई जरा बाजार से ले लो, थोड़ा घूमेंगे तो मन बहल जाएगा। बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक आवाज सुनी, गाने की आवाज, पालकी को रुकवाया, ध्यान से सुना तो पता चला वो गाने वाली मिर्जा गालिब की ही कोई गजल गा रही थी। तो फिर क्या था, ये चले गए ऊपर उनके घर जहां वो गा रही थी महफिल में, और जाके बैठ गए और सुनने लगे। जब गजल खत्म हुई, जब सब चले गए, तो ये उस डोमनी के पास गए गालिब साहब, और उससे पूछा कि आप क्या गा रही थी, आप किसकी गजल गा रही थी। तो वो डोमनी ने कहा कि आप नहीं समझेंगे, आप नहीं जानते शायद उनको, बड़े ऊंचे शायर हैं, बड़े ऊंचे ओहदे के, बड़े बढ़िया शायर है, उनका नाम है मिर्जा गालिब, तो मैं उन्हीं की गजल गा रही थी, मुझे वो बहुत पसंद, मैं और किसी की गजल तो गाती नहीं हूं, और आज भी मैंने भेजा हुआ है किसी को कि मुशायरे में जैसे ही वो गजल पढ़े तो उसकी नकल होके मेरे पास सबसे पहले आए, जिससे मैं तर्ज बनाऊ और वो गजल को गाऊ। तो मिर्जा गालिब ने पूछा कि अच्छा, आप इतना पसंद करती हैं उनकी शायरी को, आपने देखा है गालिब को। तो डोमनी जी ने बोला कि नहीं, मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, सिर्फ उनका लिखा पढ़ा है मैंने और गाया है, और मेरे लिए तो यही बहुत है, एक बार मिल लूंगी तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। खैर, पान वान खाए और मिर्जा गालिब सीढ़ियों से उतरने लगे, सीढ़ियों से उतरने लगे तो किसी आदमी से टकरा गए,
माफी मांगते हुए चले गए आगे। जब वो आदमी ऊपर पहुंचा तो डोमनी से बोला कि मिल गई तुमको गालिब की गजल। डोमनी ने बोला कि ऐसे कैसे मिल गई, तुम तो अभी आ रहे हो। तब उस आदमी ने बताया कि वो जो शख्स आपके पास आया था वही तो मिर्जा गालिब था, और ये थी मिर्जा गालिब से उनकी म्यूज की मिलने की दास्तान। अब ये सुनी सुनाई कही कहाई दास्तान है, इसे किसी ने देखा तो नहीं है, मगर समझा ऐसे ही जाता है कि ये सच्ची ही है, शायद हो शायद ना हो। मिर्जा गालिब इतने फेमस क्यों है, इतने प्रसिद्ध क्यों है, इतने मकबूल क्यों है, क्यों लोग उनके बारे में इतना जानते हैं, जबकि वो दौर ऐसा था जब बहुत से शायर हुए, मोमिन, दा, मीर, सौदा, बहुत सारे शायर हुए उस समय, मगर गालिब का वो नाम है जो आज भी चला आ रहा है, और वो उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह ये है कि मिर्जा गालिब का एक शिष्य, एक शागिर्द था जिनका नाम था अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली खुद एक बहुत बड़े शायर हैं और बहुत बेहतरीन शायर हैं। अल्ताफ हुसैन हाली ने मिर्जा गालिब के डेथ के बाद, मिर्जा गालिब के इंतकाल के बाद मिर्जा गालिब की बायोग्राफी लिखी, उनकी सवाने निगारी की, जिसका नाम था, जिस किताब का नाम रखा उन्होंने यादगार ए गालिब। और ये यादगार ए गालिब में उन्होंने गालिब के बारे में बहुत कुछ लिखा, गालिब की गजलें लिखी, गालिब की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा, और इस किताब के कई ट्रांसलेशंस हुए। किताब को बहुत पसंद किया गया और वो किताब आज भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी पॉपुलर उस दौरान थी उर्दू पढ़ने लिखने वालों में। और यही एक वजह है कि मिर्जा गालिब इतने इतने पॉपुलर हैं आज भी, और मेरे ख्याल से वो हमेशा हमेशा पॉपुलर रहेंगे। अब बात ये आती है कि गालिब पॉपुलर थे, गालिब पॉपुलर रहेंगे, और जो भी थे, आप क्यों पता करें गालिब के बारे में? वाई शुड यू नो अबाउट गालिब, वाई मस्ट यू नो अबाउट गालिब? तो गालिब खुद ही इस बारे में कहते हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। गालिब का जो कहने का ढंग है, शायरी का ढंग है, पोएट्री का ढंग है, वो सबसे जुदा, सबसे अलग है, और यही वजह है कि आपको मिर्जा गालिब के बारे में जानना चाहिए। आपको स्पेशली उन्हें जिन्हें लिटरेचर में इंटरेस्ट है, जिन्हें पोएट्री में इंटरेस्ट है, गालिब के बारे में आप जानेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि उस दौरान बाकी लिटरेचर में क्या हो रहा था। बल्कि आपको पता करना चाहिए कि उस दौरान इंग्लिश लिटरेचर में कौन एक्टिव था। आप जानते हैं एलिस इन वंडरलैंड जब लिखी गई तो वो किस समय लिखी गई, किस काल में लिखी गई? हाँ, वो गालिब के समय की किताब है। जेन ऑस्टिन ने अपनी बुक्स इसी दौरान लिखी। बिहारी की सतसई हिंदी लिटरेचर गालिब से थोड़ा पहले लिखी गई। हिंदी में हितोपदेश का रूपांतरण इसी दौरान हुआ, और हिंदी लिटरेचर के रीतिकाल के कई बड़े बड़े कवियों ने भी इसी दौरान अपनी रचनाएं लिखी। तो ये वो समय था जब लिटरेचर में जनरली इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर सब में बहुत ग्रोथ थी, मगर ये समय जो था वो
वो पीसफुल नहीं था, स्पेशली इंडिया में। मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर खत्म होते आ रहा था। बहादुर शाह जफर अपने ही किले में कैद थे। अंग्रेजों का राज बढ़ रहा था। 1857 वो समय है जब हिंदुस्तानी बगावत शुरू हो चुकी थी। तो पीसफुल नहीं था, मगर लिटरेचर अक्सर ऐसी चीजें लिखता है, ऐसे ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे वाकयात के बारे में लिखता है जो उस दौरान घट रही हों। मिर्जा गालिब ने भी यही किया, हमें उनकी शायरी से उनके वक्त का जायजा मिलता है, उनकी शायरी उस दौर का आईना है। मिर्जा गालिब को मिर्जा गालिब क्या चीज बनाती है? Why is he so special? इसकी कुछ कारण है और सबसे अहम कारण यह है कि दास्तान गोई का शौक मिर्जा गालिब को था। दास्तान गोई मतलब कहानी कहना और सुनना, वो कहानियां जो बहुत लंबी हों, बहुत तवील हों, जो कभी कभी महीनों हफ्तों चलती हों। तो मिर्जा गालिब दास्तानें सुनते थे और दास्तानें अक्सर म्यूजिकल होती हैं, मंजूम होती हैं। मिर्जा गालिब की शायरी भी दास्तानें कहती है, अलग अलग दास्तानें। दो एक शेर में दो मिसरे होते हैं, दो लाइंस होती हैं, उन दो लाइंस में मिर्जा गालिब कई दास्तान सुना देते हैं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर। दो लाइंस है, मगर इट टेल्स अबाउट द पेन अ लवर गोज थ्रू, द लॉन्गिंग अ लवर गोज थ्रू when he is waiting for his beloved. और इतनी गहराई से, इतनी सादगी से, इतनी बढ़िया तरीके से मिर्जा गालिब दो लाइंस में एक दास्तान सुना देते हैं। उस दौरान और भी पोएट्स थे, मीर, दाग, मोमिन, ये सभी उस दौर के पोएट्स हैं और सभी ने बहुत बेहतरीन शायरी की है। और यही वो दौर है जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ उर्दू पोएट्री कहते हैं, अहद-ए-ज़रीन ऑफ उर्दू पोएट्री। ये भी एक वजह है कि उनके साथ इतना कंपटीशन था, इतने बढ़िया बढ़िया पोएट्स थे कि वो लिखते थे तो उनको लगता था कि उनसे सबसे तो अच्छा लिखा जाए, कि मैं लिखूं तो दाग से अच्छा लिखूं, मैं लिखूं तो जौक से अच्छा लिखूं। जौक तो उनके कंटेम्प्ररी तो थे ही, उनके राइवल पोएट भी थे, क्योंकि जौक जो थे वो बादशाह के टीचर थे, जफर को वो पोएट्री सिखाते थे। तो ये भी एक रीजन है कि मिर्जा गालिब को गालिब बनाता है। और जो उनका उनके हालात थे, द पॉवर्टी, हिज टेस्ट फॉर वाइन, हिज टेस्ट फॉर गैम्बलिंग, उनको शौकिया आदमी बनाता था। इनफैक्ट वो खुद ही कहते हैं कि कर्ज घी पीते थे मैं, पर समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बट ही वॉज ऑल्सो वेरी डाउन टू अर्थ। वो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेते थे और इन्हीं छोटी छोटी चीजों के बारे में लिखते भी थे। एक शेर उन्होंने कहा है कि है खबर गर्म उनके आने की, है खबर
गर उनके आने की आज ही घर में बोलिया ना हुआ। तो भाई वो कहते हैं कि मैं इतना गरीब हूं कि महबूबा घर आ रही है और मेरे पास एक बोरा भी नहीं है जिसपे उनको बिठा सकूं मैं। तो ये छोटी बातों के बारे में इतने बढ़िया शेर कहने वाले बहुत कम शायर हुए हैं मेरे ख्याल से, गालिब जैसा तो कोई ही नहीं। यही वो वजह है कि वो ज़ौक, मोमिन, शेफ्ता, जफर सबसे अलग नजर आते हैं, सबसे जुदा नजर आते हैं। 1857 का समय तो खैर था ही बगावत का समय, और दिल्ली के जो हालात थे वो भी मिर्जा गालिब की शायरी में दिखते हैं। द टाइम्स ही लिव्ड इन, द स्टोरीज ऑफ लव, लॉस, बिट्रेयल्स एंड द ट्रेजेडीज ही सफर्ड। मगर मिर्जा गालिब ने सिर्फ शायरी ही नहीं की, सिर्फ पोएट्री नहीं लिखी, उन्होंने चिट्ठियां लिखी, लेटर्स, उन्होंने कादरनामा लिखा। कादरनामा अपने दो भांजों को, दो भतीजों को पढ़ाने के लिए एक मंजूम अरबी और फारसी पोएट्री लिखी ग्रामर के बारे में। क्वीन एलिजाबेथ पे एक कसीदा लिखा, कसीदा मतलब poem in a praise of somebody, a poem which is written in somebody's praise. So Queen Elizabeth के बारे में उन्होंने कसीदा लिखा। फारसी में शायरी की, जो बहुत बेहतरीन शायरी की, वो खुद कहते थे कि मेरी फारसी शायरी मेरी उर्दू शायरी से बहुत बेहतर है। और इसके अलावा उन्होंने एक डायरी लिखी। जब 1857 में वो अपने घर में कैद थे, जैसे कि आजकल हम लोग हैं क्वारंटाइंड, वो भी अपने घर में कैद थे जब अंग्रेजों ने जगह जगह चौकियां बना के अपने सिपाही खड़े कर दिए थे और हिंदुस्तानियों को अपने घर से निकलने को मना कर दिया था। उस दौरान मिर्जा गालिब भी अपने घर में कैद हो गए थे। उस दौरान उन्होंने एक डायरी लिखी जिसका नाम था दास्तान बू, ये उन्होंने फारसी में लिखी थी। और इसमें उन्होंने उस दौरान जो हालात थे, उस दौरान जो चीजें थी, बातें हो रही थी, उसके बारे में। तो वो सिर्फ पोएट नहीं थे, वो एक उम्दा, वो एक बेहतरीन प्रोज राइटर, एक बेहतरीन खतूत निगार, लेटर राइटर थे और एक बेहतरीन इंसान भी थे। '1857 वो वक्त था जब द रिबेलियन हैड टेकन प्लेस, द फाइट फॉर फ्रीडम हैड स्टार्टेड। And this is what is essentially in Dastanbu. Dastanbu में 1857 के rebellion के बारे में काफी सारी चीजें हैं। It mourns the fall of Shahjahanabad. Shahjahanabad वो जगह है जो अकेले के आसपास मुगल बादशाह ने शहर बसाया था, उसे शाहजहानाबाद कहते, जो उस दौरान दिल्ली था। अब तो दिल्ली बहुत बड़ा हो गया है, उस दौरान दिल्ली बहुत छोटा हुआ करता था। शाहजहानाबाद अ सिटी दैट गालिब ट्रूली लव्स एंड ट्रूली लव्ड। ये नॉर्दर्न गेट है शाहजहानाबाद का, लाल किले का नॉर्दर्न गेट, कश्मीरी दरवाजा, जिसे हमलों ने तोड़ दिया था। This is the most famous doorway and most used doorway of Lal Qila. ये कश्मीर की तरफ जाता था। It looked towards the north. And the door was built by Shah Jahan. The Indian soldiers had fired cannonballs at this gate and had destroyed this gate. गालिब कहते हैं कि ये दरवाजा एक था जो शाहजहानाबाद की का गुरूर था, वो भी टूट गया। अपनी शायरी में, अपने एक लेटर में वो कहते हैं कि
रोज इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। एक लेटर में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की हस्ती मुनहसिर कई हंगामों पर थी, दिल्ली की हस्ती मुनहसिर कई हंगामों पर थी, किला चांदनी चौक हर रोज बाजार मस्जिद जामा का, हर हफ्ते सैर जमुना के पुल की, हर साल मेला फूल वालों का। ये पांचों बातें अब नहीं। फिर दिल्ली कहां? हाँ, कोई शहर था इस नाम का। He laments the fall of Delhi. He laments the fall of Delhi and the way Britishers treated Indian soldiers and Indians. This is the visual of Jantar Mantar, the Jantar Mantar that was destroyed by the cannons. एक जगह वो कहते हैं कि जामा मस्जिद से राजघाट तक सब खाली, सब सुना पड़ा है, मुबालगा ना समझता। It is not an exaggeration. दिल्ली अब शहर नहीं रहा, एक कैंप बन गया है, एक कैंटोनमेंट बन गया है। ना बाजार, ना कुएं, ना कैनल्स, ना वो खुशी भरे चेहरे जो अपना रोजमर्रा का काम करते थे, वो सब अब नहीं है। वो शाहजहानाबाद जो हम जानते थे, वो अब नहीं है। और ये है बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह, जो अक्सर मुशायरे किया करते थे और उसमें मिर्जा गालिब को बुलाया करते थे और खुद भी गजल पढ़ा करते थे, क्योंकि जफर खुद भी शायर थे और उनके जो उस्ताद थे, उनके जो जो टीचर थे, वो थे जौक, अनदर उर्दू पोएट, अकम्पलिश्ड उर्दू पोएट जौक, जो मिर्जा गालिब के कंटेम्प्रेरी थे, राइवल थे, मगर बहुत इज्जत करते थे दोनों एक दूसरे की। तो जब जौक का इंतकाल हो गया, जब जौक की डेथ हो गई, तो मिर्जा गालिब को बहादुर शाह जफर का टीचर अपॉइंट किया गया। और बहादुर शाह जफर ने मिर्जा गालिब को एक टास्क दिया, एक काम दिया कि जो मुगल हिस्ट्री है उसकी क्रोनोलॉजी लिखी, उसको क्रॉनिकल करें। मगर ये काम पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि Soon after 1857, Zafar was taken prisoner and sent to Rangoon. उन्हें काला पानी भेज दिया गया। गालिब ने दिल्ली के बारे में बहुत कुछ कहा है, मगर उनका जो अंदाजे बयां है, जो वो जिस तरह से वो कहते हैं, लिखते हैं, वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है। इट इज, आज आपको लगता होगा कि वो बड़ी टफ उर्दू लिखते हैं, मगर उस दौरान जो उर्दू बोली जाती थी वो इससे भी टफ हुआ करती थी। मिर्जा गालिब हैज रिटन वेरी कोलोकियल उर्दू इन हिज पोएट्री एंड ही यूजेस लॉजिक एंड रीजन इन पोएट्री एंड नॉट जस्ट दैट। You take one share of Mirza Ghalib and you can take out, you can interpret it in many ways. You can derive philosophy out of it. You can talk of life, you can talk of love, you can talk of God. Several layers of meanings can be derived from Mirza Ghalib's poetry. His poetry at times has playfulness, has tanzumiza, has self-deprecation at times, has Sufism, tasawwuf, and his own interpretation of love, and a love which was
zameen. So how does he use each of these in his poetry? Logic. Dost gham khali mein meri sahi farmavenge kya? Zakhm ke bharte talak nakhun na bad javenge kya? To dost mere jo hain mere gham mein wo mere upar taras nahi khayenge? Khayenge. Magar jab tak mere zakhm badhenge tab tak mere khud ke nakhun bad jayenge aur main phir pure dunga. Jo aksar log karte hain ki help milti hai magar hum wo zakhm ko uredte rehte hain. Sada bayani, his simple language. Bas ki dushwar hai har kaam ka aasa hona, aadmi ko bhi muyassar nahi insaan. Very simple. I don't need to explain this to you. Maine daar pehle. You can derive so many meanings and so many layers of meanings from these ashars. Main bhi muh mein zuban rakhta hoon, kaash poochho ki mudda kya hai. Bekhudi besabab nahi ghalib, kuch to hai jiski pardadari hai. You can derive philosophical meanings, political meanings, individual meanings. Aap kahin bhi ye sher chipka dein, wo chipak jayenge. अब जाके अपने लवर से बोले कि भाई मुझसे भी कुछ पूछो, मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है. तुम ही तुम बोलते जाओगे. या अपने दोस्त से भी कह सकते हैं, अपने पॉलिटिशियन से भी कह सकते हैं, भाई हमसे भी तो पूछो कि हम भी मुंह में जबान रखते हैं, कि तुम ही डिसाइड करते जाओगे सबके लिए. सो such is the poetry of Ghalib that can be used at various places, at several places, and in various circumstances. He talks of philosophy, very deep philosophy. Pehle hayat aur band aur gham, asl mein dono ek hain. Maut se pehle aadmi, gham se nijat paaye kyun? Qaid aur hayat aur band aur gham. असल में दोनों एक. ये जिंदगी की कैद और गम, बनने का गम, दोनों एक ही. न जिंदगी से निजात मिलेगी, न जिंदगी से आजादी मिलेगी, न गम से. मौत से पहले आदमी गम से निजात पाएगी. तो जब जिंदगी से निजात मिलेगी, जब जिंदगी से फ्रीडम मिलेगा, तभी हमें दुखों से, तभी हमें गम से फ्रीडम मिलेगा. सो लुक एट इट दिस वे, दैट वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव, वॉट एवर पेन्स यू आर गोइंग थ्रू, दे आर बिकॉज यू आर लिविंग, यू आर अलाइव. सो बेटर एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड इट, डील विद इट, मूव ऑन. क्योंकि मौत से पहले तो इससे निजात मिला नहीं हमारी. Satire. He talks. हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. क्या समझाऊं इसको मैं? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है. आप देखिए आप इसको कहां कहां बोल सकते हैं. He was a mischievous and playful poet. He laughed at himself. He laughed at others. कभी अपने महबूब से शोखी करते थे तो कभी खुदा से शोखी करते थे. महबूब से शोखी कर रहे हैं कि देख खत मुंह देखता है नाम पर, कुछ तो पैगाम ये जबानी और है कि जो चिट्ठी लेके आया है वो मुझे चिट्ठी देके मेरे तरफ देख रहा है. मतलब उसके पास कुछ ऐसा मैसेज भी है जो उसको
nu zabani dena hai. He wants to talk about it. She has not written about it. Aur khalke kainat yani upar wale se jo shokhi karte hain to bolte hain ki humko maloom hai jannat ki haqeeqat kya hai, dil ko khush rakhne humko maloom hai jannat ki haqeeqat, lekin dil ke khush rakhne ko ghalib ye khayal acha hai. To kisi ko nahi choda bhai unhone. And then he deprecates himself. He is big on self-deprecation. But evens in that also. Ki hoga koi aisa ki ghalib ko na jaane. Shayar to achha hai, par badnaam bahut hai. Ki ghalib ko jaanne wale to hain. Ki shayar achha hai wo. Magar badnaam kyo hai? Kyunki wo sharaab peeta hai, wo gosht khata hai, usko shauk hai jua khelne ka, chausar khelne ka. To unko maloom hai ki main badnaam hoon, magar ye bhi maloom hai ki shayar achha hoon main. And then in several places the Sufism in his poetry comes out. Jabki tujh bin nahi koi maujood, phir ye hangama hai khuda kya. Jabki tujh bin nahi koi maujood, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है. कि जब हर जगह खुदा है, जब हर जगह ऊपर वाला है, तो फिर ये हंगामा क्यों, ये हंगामा हर जगह क्यों. और जब उन्हें इश्क होता है तो वो कहते हैं कि ले तुलूं सोते में उसके पांव का बोसा मगर, ले तो लूं सोते में उसके पांव का बोसा मगर, ऐसी बातों से वो काफिर बदगुमा हो जाएगा. आई कैन किस हर फीट व्हेन शी इज स्लीपिंग, बट देन शी विल स्टॉप ट्रस्टिंग मी इफ आई डू दैट. सो ही इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल लवर, माइंड यू. मिर्ज़ा ग़ालिब के बारे में कई कहानियां, कई किस्से, कई एनेक्डोट्स मशहूर. आम के बारे में जो किस्सा है वो कई लोगों को पता है, शायद आपको भी पता हो, लेकिन एक बार मैं दोहरा देती हूँ कि एक हकीम साहब थे जिनका नाम था हकीम रजाउद्दीन. हकीम रजाउद्दीन को आम पसंद नहीं थे. एक बार वो मिर्ज़ा ग़ालिब के पास गए और ग़ालिब साहब बैठ के आम खा रहे थे. साहब ने बोला कि भाई अच्छा ठीक है, वहां से एक गधा गुजर रहा था तो हकीम साहब ने एक आम गधे की तरफ फेंक दिया. गधा ने आम को देखा, उसको सूंघा और आगे निकल गया. तो मिर्ज़ा साहब बोलते हैं ग़ालिब से कि देखिए आम तो गधा भी नहीं खाता, आपको बहुत पसंद है. तो मिर्ज़ा ग़ालिब उसे कहते हैं कि देखिए रफीउद्दीन साहब, गधा ही आम नहीं खाता, बाकी इंसान तो सब खाते हैं. एक और किस्सा है कि उन्हें एक बार गिरफ्तार कर दिया गया. कर्नल ब्राउन ने उन्हें गिरफ्तार किया और ले जा रहे थे. तो सिपाही ने उनसे पूछा कि भाई क्या तुम मुसलमान हो? उन्होंने कहा कि आधा मुसलमान हूं. आधा कैसे? तो उन्होंने कहा कि शराब पीता हूं, सुअर नहीं खाता, इसीलिए आधा मुसलमान हूं. एक बार और वो जब बादशाह के यहां जा रहे थे तो रमजान का समय था, उन सब रोजे रखे हुए थे. बादशाह ने पूछा कि भाई मिर्ज़ा साहब, ग़ालिब साहब की कितने रोजे रखे? तो ग़ालिब कहते हैं कि एक रोजा ना रखा. अब ये उनके बोलने का ढंग था कि एक रोजा ना रखा मतलब एक भी नहीं रखा या एक ही नहीं रखा. तो अब ये समझने वाले पे है कि समझें क्या. तो ऐसे कई किस्से मिर्ज़ा ग़ालिब के बारे में मशहूर है. जहां मिर्ज़ा
मिर्ज़ा गालिब की किससे मशहूर है, वहाँ कुछ ऐसे शेर भी पैदा हो गए हैं, कुछ ऐसे शेर भी मशहूर हो गए हैं जो गालिब साहब ने तो कहे नहीं, पता नहीं किसने कहे, मगर लोग गालिब का नाम लिख के चिपका देते हैं उसको जगह जगह। और उनमें से कुछ ये हैं, द मिसकोटेड गालिब अशार्स, खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा वाइज, कहीं ऐसा ना हो, या भी वही जाहिर, काफिर सनम निकले, ये मैंने गलत स्लाइड बना दी है, खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा वाइज, कहीं ऐसा ना हो या भी काफिर सनम निकले। तो ये गालिब ने नहीं कहा, ये जफर का शेर है, ये मिर्जा गालिब का शेर नहीं है। और एक और शेर है कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता दे जहां पर खुदा ना हो, ये तो खैर गालिब ने नहीं कहा, पता नहीं किसने कहा। और एक और शेर है कि जिसमें लाखों बरस की हूरे हो ऐसी जन्नत का क्या करे कोई, ये भी गालिब ने नहीं कहा, पता नहीं किसने कहा। गालिब साहब तो अपनी कब्र में पलटते होंगे ये सब शेर सुन के कि ये मेरे कहे हुए नहीं है। तो आप भी अगर गालिब को कहीं कोट करना चाहें तो चेक करें, डबल चेक करें और तभी कोट करें, गलत शेर ना कोट करें। गालिब की खूबी जो उन्हें सबसे जुदा, सबसे अलग बनाती है, वो उनकी लिरिकल क्वालिटी है, उनकी गजलों की लिरिकल क्वालिटी एंड द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स इन द गजल। His poetry lends very well to music, very well to be sung, and that is the reason why perhaps he has been sung so much. He is one of the most his poetry is sung by most of ghazal singers today. So similar such shair is ki taafir na intezar mein neendaye umr bhar आने का अहद कर गए आए जो ख्वाब। सो दिस इज मिर्जा गालिब फॉर यू। यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट गालिब, यू कैन डाउनलोड इट ऑन योर फोन्स फ्रॉम अमेजॉन। आई हैव अ बुक ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ मिर्जा गालिब, यू कैन यूज दैट और यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। In the book, I have written each sher in Urdu, Devanagari and English, and there is a translation in English. And my name is Swati Sani, and you can contact me on Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon, or write to me or visit my website. It was a pleasure talking about Mirza Ghalib with you. I hope you enjoy it as much as I enjoyed speaking about Mirza Ghalib. Thank you.